जय श्री राम। श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, आपण मानंकु आपण मानंकर प्रिय चैनल कथा सरितार नीति कथा उपर आधारित एही नूतन अध्याय को स्वागत। सुदी सज्जन वृंद, संबत 1583 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी गुरुवार दिन भरद्वाज गोत्रीय एक सुंदरी कन्या रत्नावली सहित संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विवाह होइकला। से तांकर नवविवाहित पत्नी सहित सुखरे कालातिपात करने को लगिले। थरे तांको पत्नी निज भाई सहित बाप घर को चलीगले। पछे पछे तुलसीदास श्वशुर घर पहुँचीगले। पति एपरी आसक्ति देखि पत्नी तांको बहुत धिक्कार कले। कहिले, मोर ही अस्थिमांस शरीर प्रति तुमर जेतिके आसक्ति रही, तहीं अधा आसक्ति जदि भगवान श्रीराम पाखर रही था ताहले तुमर भवभय रहंता नहीं, तुम्हें भवसागर पारी हो जात। पत्नी से ही वचन तुलसीदास निमंत प्रेरणादायक हो गला। से आउ गोटे मुहूर्त अपेक्षा नक सेठार फेरी आसिले। तुलसीदास सेठार प्रयाग चलीगले। प्रयागर गृहस्थ बेश परित्याग कर से साधु बेश धारण कले एवं तीर्थाटन करू करू आसी पुणी थरे काशी पहुँचीगले। मानसरोवर निकटरे से काकभूषुण्णी दर्शन लाभ कले। काशी रही तुलसीदास राम कथा कहवाक लगिले। सेठारे बास करी से प्रत्येह संध्या उपासनादि करी सारी पूजा जल को नहीं गोटे बड़ गछमूले ढाली देउथिले। सेही गछरे गोटे प्रेत रहुथिला। प्रतिदिन पूजा जलादि पाई से मोक्ष पाइगला। एथिरे संतुष्ट होई से तुलसीदास को देखा दे कहिला, आपण मते बहुत कृपा कले, मते किछि बर मागंतु। तुलसीदास श्रीराम को दर्शन अभिलाष जणाइले, किंतु प्रेत कहिला, मु प्रभु को देखाई पारिबि नहीं, हनुमान को देखाई देबी। मने रखंतु हनुमान आपण को सत्संग को प्रतिदिन आसुचंती। प्रार्थना कले से प्रभु को देखाई देबे, किंतु तुलसीदास सत्संग रे हनुमान को देखि पारिले नहीं। से प्रेत पाख को आसी निजर दुख जणाइले। प्रेत कहिला, सत्संग आरंभ हेबा बेळकु जणे वृद्ध ब्राह्मण आसुचंती। सत्संग शेषे समस्ते जीवा परे से फेरुचंती से ही हनुमान। ता पर दिन तुलसीदास से वृद्ध ब्राह्मण को देखि तांको पाद धरी सबु कथा कहिले और श्रीराम सहित देखा कराई देबा निमंते तांको प्रार्थना कले। हनुमान जी कहिले, तुमको चित्रकूट ठारे श्री रघुनाथ दर्शन मिलिब। एहा सुनी तुलसीदास चित्रकूट गले। तेबे श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, आसंतु आमे एही वीडियो रे संत तुलसीदास जी महाराज स्वरचित श्रीरामचरित मानस ग्रंथर उल्लिखित थिबा एक मूल्यवान अकाट्य बहुमूल्य बाणी को आमे माने आलोचना पूर्वक श्रवण करिबा, जहां आम दैनंदिन व्यवहारिक जीवन रे निश्चय काम लगाई परिबा। तेबे आसंतु सुनिबा कली पावन अवतार संतकूल मौड़मणि संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से मूल्यवान दिव्य चौपाईटी को। होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। सुदी सज्जन वृंद, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ जरिषि पाही। एकदा त्रेता युग हो थाए स्वयं शंकर भगवान पत्नी सती को सांगरे नहीं अगस्त्य मुनि निकट को राम कथा श्रवण पाई गले। अर्थात शंकर भगवान उत्तर भारतरु कैलास पर्वतरु आसी दक्षिण भारतर अधुनातन महाराष्ट्रर नासिक ठारे जहाँ निकटर पंचवटी अवस्थित से ही स्थान आश्रम कर रहुतिबा स्थान को आसिले। सुदी सज्जन वृंद, स्वयं शंकर भगवान 100 कोटी रामायण रचयिता। श्रीरामचरित मानस ग्रंथ जदिबा संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित होता यह पूर्वर यह श्रीरामचरित मानस ग्रंथ को स्वयं शंकर भगवान रचना कर निज मानस पटर रखी रचि महेश निज मानस राखा जो ग्रंथर नाम श्रीरामचरित मानस जहाँ को आमे माने संतवाणी देववाणी और महादेववाणी निश्चित कहीपरिया। एणु स्वयं शंकर भगवान
चतुर्दश ब्रह्मांडर प्रथम श्रीराम कथावाचक वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम जगतर भी गुरु एमिति कौन हैला शंकर भगवान भली कथावाचक अगस्त्य मुनि आश्रम को आसी श्रीराम कथा शुणा को पड़ा पुणी एमिति कौन हैला अगस्त्य मुनि तो काशी क्षेत्र छाड़ी नजीबापाई प्रतिज्ञा करिथिले से काशी क्षेत्र रे रहिबा कथा किंतु मुनि अगस्त्य काहीकि पंचवटी निकटस्थ नासिक ठार अवस्थान कले सुधि सज्जन वृंद स्वयं अगस्त्य महामुनि काशी क्षेत्र रे रहुतिले जीवन रे केबे काशीधाम को छाड़ी जीवापाई तांकर इच्छा नथिला अगस्त्य महामुनि होचंती पर्वत मानंकर गुरु हठात विंध्य पर्वत बढ़िबाकु लागिला एते क्षिप्र बेगर बढ़िबाकु लागिला जे सते जमिति ए सृष्टि को दुई भाग करदब देवता मानव समस्तंकर एक भालेणी पड़िला देवता माने अगस्त्य मुनि को अनुना विनय कले हे मुनि पुंगव विंध्य पर्वत तो आपणकर शिष्य आपण ही तार तीव्र बेगर बढ़िबाकु प्रशमित करिपरिबे किंतु मुनि अगस्त्य काशीधाम छाड़ी जीवापाई राजी हेले नाही पुनः समस्त विचारपूर्वक शंकर भगवान को गुहारी जणाइले शंकर भगवान निजे जाई अगस्त्य मुनि को अनुरोध कले हे मुनि पुंगव आपणक शिष्य को आपण ही आकट करिपरिबे तेबे मोर अनुरोध रक्षा करी आपण विंध्य पर्वत को प्रशमित हेबापाई निर्देश करंतु शंकर भगवान को कथा सुनी से बहुत कष्ट अनुभव कले किंतु काशीधाम चिरकाल रहिबा संभव हेला नाही किंतु शंकर भगवान अगस्त्य मुनि को एतिकी वचन देथिले हे मुनि पुंगव आपण काशीधाम छाड़ी जेउठी रहिबे आमे सपत्निक निश्चय आपणक पाखकु सहशरीरे पहुँचिबु आउ भगवानक कथा श्रवण करिबु अगस्त्य महामुनि विंध्य पर्वत निकटकु गले गुरुंकु देखि विंध्य पर्वत नतमस्तक करि प्रणाम जणाइला एवं कहिला गुरुदेव आज्ञा करंतु गुरु अगस्त्य विंध्य पर्वतकु कहिले मु एबे आसुचि न फेरिबा पर्यंत तुमे ठीक एहिबळी नतमस्तक होइ रहिथाओ एहा निर्देश करि चालीगले आउ केबे फेरि नथिले एबे भी विंध्य पर्वतर सेहि मथानत दृश्य रहिचि जहा सिरमौर नामरे विख्यात तेबे श्रोता बंधु दर्शक बंधु शंकर भगवान सतीकु सांगरे धरी अगस्त्य मुनि आश्रम पहुँचिले मुनि अगस्त्य स्वयं शंकर भगवान और माता सतीकु पूजा कले ए सबु दृश्य को देखी सतीक मनरे प्रश्न छिड़ा होगला कथा शुणाइला बाला कौन श्रोता को पूजा करे तेबे मुनि अगस्त्य बोधुए मो स्वामी भली ज्ञानी नुहंती ये कौन राम कथा शुणेबे एभली प्रश्न तो छिड़ा हला किंतु राम कथा श्रवण रे मध्य अनादर भाव आसीगला दक्ष कन्या सती दक्ष तो अहंकारी अहंकारी ठारु मोहरूपी सती जन्म न होई आउ कौन जन्म हो पारंता विषवृक्षरु अमृत वृक्ष जन्म नेबार आशा करिबा वृथा विषवृक्षरु विषवृक्ष ही जन्म नेब ना अर्थात जहार बापा माँ जिते संस्कारी होइतिबे सेभली बापा माँ ठारु सेहीभली संस्कारी पुत्र कन्या निश्चय जन्म नेबे शंकर भगवान अगस्त्य मुनि मुखार बिंदु राम कथा निरंतर श्रवण कले राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी अर्थात राम कथा सुनी शंकर भगवान परम सुख को प्राप्त हेले किंतु माता सती राम कथा किसी शुणी ना नौ दिन प्रवचन सरला शंकर भगवान श्रीराम भक्ति को दक्षिणा स्वरूप अगस्त्य मुनि को प्रदान कले आपटे प्रभु श्रीरामंकर वनवास लीला चली रावण सीता हरण कर दक्षिण दिग को नहीं जा सीता नपाई प्रभु राम विलाप कले दक्षिण दिग को गमन पूर्वक प्रभु राम और अनुज लक्ष्मण अपहृता सीता खोजाक लगिले गोटे पटे प्रभु उत्तर दक्षिण आड़क सीता खोजी खोजी जाऊला बेले अपर पक्ष शंकर भगवान दक्षिण पटर उत्तर आड़क सती को साथी धरी कैलास पर्वत अभिमुखे जाऊँच उभयंक गति विपरीत प्रभु राम बनपथरे चली शंकर भगवान आकाशपथरे चली शंकर भगवान जापारे प्रभु एवं नरलीला करुंच समय प्रभु राम का दर्शन टिके हो जाता कि राम कथा श्रवणर फल ही तो श्रीरामकर दर्शन प्रभु श्रीराम शंकर भगवान अभिलाष को जापारी आउ दक्षिण दिग आड़ को न जा उत्तर आड़ी चलिले
एबे शंकर भगवान सहज भावर प्रभुंकर दर्शन पूर्वक सच्चिदानंद भगवानंकर जय हेउ बोली कहिले। पत्नी सती ए सब दृश्य को देखी तांको मनरे संदेह आसिला। सुदी सज्जन वृंद, विश्वास ही भगवान, संदेह ही सैतान। सती भ्रमरे पड़गले। जहांकु मो स्वामी सच्चिदानंद कही जय जयकार करी प्रणाम कले, से कौन सतरे भगवान ना? जदि से सच्चिदानंद होइथांते, से कौन साधारण मनुष्यक भली नारी विरहरे कांदी कांदी एमिती खोजी बुलुथांते ना? ये भगवान नुहंती, मु तंकु निश्चय परीक्षा करिबि। सुदी सज्जन वृंद, जीवर स्वभाव एपरि हेबा उचित जे जगत को परीक्षा कर, निज को प्रति मुहूर्त समीक्षा कर और प्रभु को प्रतीक्षा कर। माता सती प्रभु को परीक्षा करने को बाहरी पड़िले। शंकर भगवान सती को बारंबार बुझाइले, किंतु सती बुझाक नाराज। स्वामी को कथा को अमान्य करी से परीक्षा करने को बाहर। सुदी सज्जन वृंद, शंकर भगवान सती एतादृश अवस्था को लक्ष्य करी आउ सती को न बुझाई निज को बुझाइबा को आरंभ कले। श्रोता बंधु, एठी से ही संत कुल चूड़ामणि कविकूल मौड़मणि संत गोस्वामी तुलसीदास रचित विश्वग्रंथ श्रीरामचरित मानस उल्लिखित थिबा बहु मूल्यवान अकाट्य बाणी, जहाँ स्वयं शंकर भगवान को मुख निसृत बाणी। होई जसोई राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात शंकर भगवान मन मन अनुमान कले, एथिरे दक्ष सतींकर किछि मंगल हेबो नहीं। जति मु बुझाइबा सत्व संदेह दूर हेउ नहीं, तबे जणा पडुचि विधाता ही विपरीत होइछन्ति। सतींकर किछि भल हेबो नहीं, भगवान जहाँ विधान करिछन्ति ताहा ही हेबो। तर्क करि कथा बढ़ाइले लाभ बा कौन मिलिबो? एहिपरि कहि शंकर भगवान श्रीहरिंक नाम जप करिबाकु लागिले। एणे सती सुखर धाम प्रभु श्रीराम को आड़ी चलिले। सती निज रूप को परिवर्तन करी सीतांक रूप को धारण कले। भावना एतिकि जदि राम मो सीता रूप को देखि कांदिबा बंद करी मते ग्रहण करी नेबे, जानिबि से साधारण मनुष्य किंतु भगवान नुहंती। सती निजर रूप सिना परिवर्तन कले, हेले सीतांकर स्वभाव तांक भितर नथिला। श्रीरामक पछे पछे सीता चालंती, किंतु सीतांक रूप धारण करथिबा सती रामक आगे आगे चलिले। किंतु अंतर्जामी प्रभु सती को जगतर माता जानी प्रणाम कले। कहौ बहोरी कहा वृषकेतु, विपिन अकेली फिरही केही हेतु। एबे सती लज्जित हेले, शिवंक पाखुक प्रत्यावर्तन कले। शंकर भगवान पचारिले, सती तुम्हें जाइथिल कौन सब कल आउ कौन हला? सती तो भयर थरु थांति। भयर से शंकर भगवान को कहिले, प्रभु आपण जेपरि प्रभु को प्रणाम कले, मु ठीक सेहिपरि प्रभु को प्रणाम करि फेरि आसिले। शंकर भगवान ध्यान बलर सबकिछि जानि पारिथिले ओ जानि पारि शंकर भगवान सती को आउ बाम भागरे आसन नदेइ सम्मुख भागरे आसन देले बा सती को परित्याग कले। सुदी सज्जन वृंद, आम मानक संसार रे बेले बेले एभली घटना घटे। जदि निज परिवार रा सदस्य होई केही एभली परिस्थिति सृष्टि करे, तेबे थरकु तीनि थर बुझा जाई पारे। जदि से अबुझा हुअंती पुणी समस्या सृष्टि करंती, तेबे आउ न बुझाई निजकु बुझाई देबा। होई जो सोई राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। आउ निजकु थरे बुझाई देबा। एतिकि जानिबा प्रभु निश्चित आउ किछि करिबा पई चाहूचंती, आउ ए कथारे वृथातर्क करि लाभ कौन? बरं वृथातर्क न करि शंकर भगवान का भली भजन आरंभ करदेबा निश्चय श्रेयस्कर। कारण भजन रे भी बहुत शक्ति सामर्थ्य और क्षमता अछि। तबे श्रोता बंधु दर्शक बंधु, ए थिला ए अध्यायर संत तुलसींकर अमूल्य बाणी। आशा करें
ଏଇ ପାଣିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇ ପାଣିଟିକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ପୁନଃ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅକାଟ୍ୟ ବାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।